केवल 2 मिनट का वीडियो है, अमेरिका में चल रहे चुनावों की सारी जानकारी आपके पास होगी। पहले आप ये समझिए कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री का पद ज्यादा ताकतवर होता है ना कि राष्ट्रपति का, लेकिन अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को मिला के जितनी ताकत होती है उतनी अमेरिका के अकेले राष्ट्रपति के पास होती है। अगर भारत में हमें प्रधानमंत्री का चुनाव करना है तो हम अपना वोट डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं देते हैं, हम किसी पार्टी के सांसद को अपना वोट देते हैं, फिर ये जो भी सांसद जीतते हैं ये बहुमत के आधार पर संसद में प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। इसे इनडायरेक्ट वोटिंग कहा जाता है। अमेरिका में भी इसी तरीके से इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, वहां भी जनता का वोट सीधा राष्ट्रपति को नहीं जाता है। ये भारत का मैप है और ये अमेरिका का। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं अमेरिका में टोटल 50 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में हर राज्य में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटें फिक्स है। जैसे भारत में यूपी राज्य में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और पूरे भारत की अगर लोकसभा सीटों को हम जोड़ें तो 543 सीटें भारत के अंदर लोकसभा की है। उसी तरह अमेरिका में भी हर राज्य में जनसंख्या के आधार पर इलेक्टर्स फिक्स होते हैं। हमारे यहाँ पे सांसद बोला जाता है और वहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी के किसी मेंबर को इलेक्टर बोला जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टी के टोटल 54 इलेक्टर्स है और इस राज्य के सभी 54 इलेक्टर्स को मिला के इलेक्टोरल वोट्स कहा जाता है। इसी तरीके से पूरे अमेरिका में अलग अलग राज्यों में कुल 538 इलेक्टर्स है, अर्थात एक तरीके से 538 सीटें पूरे अमेरिका के अंदर है। भारत के अंदर 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी व कांग्रेस। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी वहां की 2 बड़ी पार्टियां हैं। अमेरिका में इन 538 सीटों के ऊपर अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं और वोटिंग होती है, जो हाल ही में 5 नवंबर 2024 को हुई है। यहाँ पे वोटिंग का डे भी फिक्स होता है, जैसे कि जिस साल चुनाव होने हैं उस साल में नवंबर के महीने में आने वाला जो पहला सोमवार है उसके जो नेक्स्ट मंगलवार आएगा उसी दिन वोटिंग होगी, जो कि फिलहाल 5 नवंबर को था। भारत में 2004 लोकसभा चुनाव के बाद 100% वोटिंग ईवीएम से होती आ रही है। कई सवाल उठने के बाद भी यहाँ पे वोटिंग ईवीएम से ही होती है, लेकिन अमेरिकी इस पद्धति के ऊपर कम विश्वास करते हैं। अमेरिका में वोटिंग 3 तरीके से होती है। पहला, हेड मार्क्ड बैलेट पेपर। इसमें एक पेपर पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम व कैंडिडेट का नाम होता है, जनता उसके नाम के आगे चिन्ह लगाकर कैंडिडेट का चुनाव करती है। 70% वोटिंग अमेरिका में इसी तरीके से होती है और अमेरिकी इसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और ये एक पुराना मेथड भी है। दूसरा, BMD बैलेट मार्किंग डिवाइस। अभी लगभग 25% क्षेत्रों में इसके द्वारा वोटिंग होती है। इसमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक बैलेट पेपर दिखता है, जैसा कि पहले जो हमारे फिजिकली हाथ में था बैलेट पेपर, वही बैलेट पेपर हमें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखता है। इसमें मतदाता अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनता है और फिर हैंड टू हैंड उसका प्रिंट निकाल कर बैलेट पेपर को काउंटिंग के लिए रख लिया जाता है। तीसरा, DRE डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक। यह सेम टू सेम भारत में ईवीएम मशीन के जैसा है। अमेरिका में 2024 के चुनावों में 5% क्षेत्रों में, मात्र 5% क्षेत्रों में इसके थ्रू वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद सभी बैलेट्स को सुरक्षित तरीके से स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के अंदर पहुंचाया जाता है, जहां पे वोट्स की काउंटिंग होती है, जो कि हाल ही में 6 नवंबर 2024 को हुई है। यहाँ की काउंटिंग में एक बहुत अजीबोगरीब नियम है, जिसे एक तरीके से हम बकवास नियम भी कह सकते हैं, विनर टेक ऑल का। इसके अनुसार किसी भी राज्य के अंदर जो भी इलेक्टर्स बहुमत के आधार पर जीत हासिल करता है तो बाकी की जो सीटें हैं वो भी उसी इलेक्टर्स की हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कैलिफोर्निया के अंदर टोटल 54 सीट्स है, 54 का हाफ 27 से ज़्यादा सीट्स जीतने वाले इलेक्टर्स को बाकी की बची हुई सारी सीटें भी मिल जाएगी। और इसके अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम वोट वाले को भी राष्ट्रपति बनने का अवसर मिल जाता है। काउंटिंग के बाद सभी राज्यों की कुल 538 सीटों पर जो भी इलेक्टर्स जीतते हैं, इन सभी जीतने वाले इलेक्टर्स का एक ग्रुप होता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज वर्ड अमेरिका के चुनाव में काफी खास वर्ड है। ये सभी इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य आपस में मिलकर बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जैसा कि भारत में सभी सांसद मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, जो कि इस बार 6 जनवरी 2025 के अंदर होने वाला है। इसके बाद 20 जनवरी को दोपहर नए राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत होती है। यहाँ पे इसकी भी तारीख फिक्स होती है। इसका उद्घाटन समारोह राजधानी वॉशिंगटन DC की US कैपिटल बिल्डिंग में होता है। 20 जनवरी को अगर संडे होता है तो कार्यकाल की शुरुआत 21 जनवरी से होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के कुछ नियम भी होते हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 4 साल का होता है और कोई भी इंसान 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति वहाँ पे नहीं बन सकता है, और राष्ट्रपति बनने के लिए उसे अमेरिका की धरती के ऊपर जन्म लेना जरूरी है। धन्यवाद।